नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3 दिवसीय किसान महाकुंभ की समाप्ति से वापसी पर किया जोरदार स्वागत। जसपुर नगर के सिंह सभा श्री गुरुद्वारा साहिब परिसर में धर्मनगरी तीर्थ नगरी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिन तक चली किसान महापंचायत, जिसे किसान महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, में अपना सहयोग देकर सफल बनाकर वापस जसपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता सहित बाकियों के अनेक पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर एवं शपोता भेंट कर क्षेत्र के किसानों का जोरदार स्वागत किया तथा इस दौरान खबर की कवरेज करने पहुंचे संवाददाता जसागर और सुशील कुमार चौहान को भी पत्रकारिता में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए फूलमाला पहनाकर एवं सरोपा भेंट कर जोरदार स्वागत किया। वहीं संबंध में बाकियों के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने जानकारी देकर बताया, इस अवसर पर आत्मयोजना अध्यक्ष मुख्तार सिंह घुम्मन, भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष शीतल सिंह, चौधरी किशन सिंह, अमनप्रीत सिंह सहित अनेक किसानगण मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जो किया गया है, हमारे 15 तारीख से ये हमारा ट्रक गया हुआ था, जिसमें महाकुंभ कहते हैं उसे, चिंतन शिविर चलता है हमारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाला लाल कुटी हरिद्वार। तो ये लंगर की सेवा में 15 तारीख से हमारी ये शहरी सेना गई हुई थी, यहाँ से 20-25 आदमी को जो डेलीगेशन गया हुआ था, जो केवल लंगर की देखरेख के लिए, जिसमें हमारे मुख्य शीतल सिंह जी और दीदार सिंह जी, इनके नेतृत्व में टीम बनी थी और ये पूर्ण करके वहाँ से हरिद्वार से लंगर की सेवा आए हैं। तो इनका यहाँ पर इसलिए स्वागत किया गया है। 3 दिन बाद शिविर चलता है, राष्ट्रीय शिविर महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये 32-33 साल से लगातार वहाँ हरिद्वार लाल कोठी में चलता है। इसमें अलग अलग स्टेटों से पूरे देश के किसान आते हैं और ट्रेनें फ्री रहती हैं पूरे, यानी 3 दिन आने जाने की, और जितनी धर्मशाला वो फ्री रहती हैं, जितने गेस्ट हाउस, सिंचाई विभाग, अन्य VIP घाट सब फ्री रहते हैं, और शहरी व्यवस्था बड़े सुचारू ढंग से सत्र चलते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। फिर जो समस्या प्रदेशवाई आती है और वो समस्या पर ज्ञापन जाते हैं, एक केंद्र को राज्यवाही ज्ञापन जाते हैं चिंतन मंथन होकर, और उन पर फिर साल की रणनीति बनाई जाती है। ये तय होती है रणनीति कि क्या समस्या हमारे किसानों को, सरकार से हमें क्या करना है। अगर वो बात नहीं मानेगी तो सरकार से टकराव भी होते हैं जगह जगह, जो प्रदेश की सरकार नहीं मानती तो उनकी छाती पर भी बैठा जाता है। ऐसी रणनीति हमारे राष्ट्रीय लीडरों द्वारा तय की जाती है और कार्यकर्ताओं से वो समस्या ढूंढ कर निकाल कर पूछते हैं। तो हमने भी उत्तराखंड की समस्या अपनी 7-8 हमारी समस्या थी वो राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे रखी हैं, और उस पर अमल चालू हो जाएगा। जो उनके दिशा निर्देश आते रहेंगे रिक्रेट कैदी के उस पर जो हमें आती रात उन्होंने कहा कि तैयार रहना, आंदोलन बड़ा कभी कहीं किसी भी वक्त हो सकता है, जब आप घर जाओ हो सकता है जब संदेशा आ जाए कि वहाँ पर आज आंदोलन लग गया है और वहाँ पर मोर्चा लग गया है, वहाँ आओ आपको आना पड़ेगा। तो इस ढंग से कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया। हमारे उधम सिंह पूरे जिले का लंगर वहाँ लगता है 16-17-18 जून। ये महाकुंभ होता किसानों का, किसानों की समस्या जो पूरे भारत की समस्या है, वहाँ उन समस्याओं का मंथन होता है। तो चौधरी नरकेश जगह जी भी आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी आते हैं, नरेश जगह जी भी, पूरी समस्याओं का मंथन होता है। तो हमारी टीम जो उधम सिंह नगर की है वहाँ लंगर लगाती है। आपके लंगर की सेवा जो सी है हर साल जैसे भर्ती जफर को सौंप दी गई थी, तो जफर वाली जो हमने टीम यहाँ बनाई है, सभी जो हमारे प्रेम सौदा जी, दर्शन देओल जी, जगीर सिंह जी, इनके सभी के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से हमने लंगर वहाँ लगाया हरिद्वार में। 3 दिन का लंगर टूट लंगर चला वहाँ पे। तो आज हम लंगर की समाप्ति करके आज जफर पहुँचे हैं। तो आज जो हमारे जून के पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारा स्वागत करा। मैं धन्यवाद करता हूँ इन्होंने जफर की पूरी टीम को कि हमारा इन्होंने स्वागत करा। क्या है ये भारतीय किसान यूनियन लंगर करती है जिसमें दाल फुल्का चला। ये राष्ट्रीय पंचायत होती है ना, हर साल वहाँ जून में होती है, 16 जून 17 18 जून को 3 दिन लंगर फूट चलता है वहाँ। मिटकें चलती हैं, पूरे भारत के आदमी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, हमारी बहनें भी आती हैं। तो हम उधम सिंह लंगर का दाल फुल्का, हलवा और ये चावल और ये अपना चने का लंगर लगाते हैं हर साल।